अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सिद्दी पीर ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। सैयद अली हैदर शाह की तरफ से हाजिर हैं। नाज़रीन, आज जो मैं लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस अमल का आह्वान है। बिनते पुलिस की हाजिरी का आसान मुजरम अमल सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों में हाजिरी है। अगर आप हमारे बताए गए तरीक़ाकार पर इस अमल करते हैं, चंद मिनटों में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे बताए गए तरीक़ाकार दिन, टाइम और इजाज़त लेकर करेंगे। दोस्तों, आपने किस तरह अमल करना है और बिनते पुलिस को किस तरह हाजिर करना है और इसकी हाजिरी के बाद आप इसे क्या क्या काम करवा सकेंगे, ये आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो के अंत तक लास्ट में देखना है। चलें दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया कि अमल की तरफ चलते हैं। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। चलें दोस्तों, अमल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये बात आपको ज़्यादा चलूँ कि इस अमल को मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं, मर्द हजरात और औरतें दोनों कर सकती हैं। और दोस्तों, जो मर्द हजरात हैं उनके लिए ये है कि वो उनसे साथ हम बिस्तरी लाजमी शर्त है। हम बिस्तरी कर सकें मर्द हजरात तो फिर इस अमल करें, जो नहीं करना चाहते इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। औरतों के लिए कोई शर्त नहीं है। औरतों के लिए मैं बता दूंगा कि वो क्या करेगी। दोस्तों, इस अमल को आपने जब भी करना है हमसे इजाज़त लेकर करना है। इजाज़त के बगैर आपने ये अमल करना नहीं। अगर इजाज़त लेकर करेंगे आपको फिर ही कामयाबी होगी, नहीं तो आपको रजत हो जाएगी। इजाज़त लेकर ये अमल करें और ताकि हमारी पोशीदा ताकतें आपकी हिफाजत करती रहें और आपका अमल में 100% कामयाबी हो सके। दोस्तों, इस अमल का जो टाइम है वो कोई मखसूस नहीं है। आपके पास जब टाइम हो, जिस वक्त टाइम हो, आप इस अमल कर सकते हैं। लेकिन आपने मगरिब के बाद इस अमल करना है। मगरिब के बाद, सूरज ग्रूब होने के बाद, आप किसी भी वक्त सोने से पहले पहले इस अमल को कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अमल को आपने जब भी करना है, गुलाब की पत्तियां आपको चाहिए होंगी अमल में, अगरबत्तियाँ चाहिए होंगी, और आपने गुसल करके नए कपड़े पहन कर इस अमल करना है। रज्जत नहीं होगी आपको इससे। आपने गुसल करके नए कपड़े पहन कर ये अमल करना है। दोस्तों, अब आपने करना क्या है कि आपने जिस भी जगह अमल करना है, अकेले रूम में जाकर करना है या छत पर जाकर करना है, जहाँ पर भी आपने ये अमल करना है वहाँ पर जाकर आपने बड़ा सा संदूर के साथ गोलर लगा लेना है। 7 दफ़ा अतुल कुर्सी पढ़कर लगाने के बाद आपने हसार के अंदर गुलाब की पत्तियाँ फेंक देनी है। गुलाब की पत्तियाँ रख देनी है। दोस्तों, आप गुलाब की पत्तियाँ रख देंगे, आपने गुलाब की पत्तियों के ऊपर बैठ जाना है और आपने मोमबत्तियाँ आपने 5 अदद मोमबत्तियाँ असार के अंदर जला लेनी है। अपने सामने लाइटें बंद करके मोमबत्तियों की रोशनी में अमल करना है। दोस्तों, जलाने के बाद आपने करना क्या है कि आपने अगरबत्तियाँ अपने पास खुशबू के लिए बखोर के तौर पर जला लेनी है। दोस्तों, जितनी भी जलाने, 2 जलाने, 3 जलाने, 4, 5, जितनी भी जलाना चाहें चला सकते हैं। दोस्तों, जब आप चला लेंगे उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने असार के अंदर बैठ जाना है। बैठने के बाद ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ 709 बार पढ़ना है। ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ 709 बार पढ़ना है। आप जैसे ही 200 या 250 की तादाद आपकी पूरी होगी, आपके सामने बिनते इब्लीस की बेटी की हाजिरी हो जाएगी। वो आपके सामने असार के सामने आकर बैठ जाएगी। वो आपको बुलाने की कोशिश करेगी, आपको सब कुछ छेड़ने की कोशिश करेगी, आपको बहुत सी लालच देगी, लेकिन आपने अपना मंत्र पढ़ता रहना है। 709 बार पूरी तादाद कर लेनी है। अगर आप वैसे ही उसके मंत्र छोड़कर उसकी बातों में आ जाएंगे तो वो गायब हो जाएगी और उसकी दोबारा कभी हाजिरी नहीं कर पाएंगे आप। दोस्तों, आपने 709 बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जैसे ही करेंगे वो, दोस्तों, आपकी उसकी जो ताकत होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो उसकी ताकत हो जाएगी, 0% उसकी ताकत हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद वो आपसे कहेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो दोस्तों, अगर आप मर्द हजरात हैं तो अब आपसे हम बिस्तरी का कहेगी, मेरे साथ हम बिस्तरी करो फिर आपका काम करूँगी। अगर औरत हैं, अगर आप लेडीज़ हैं, तो दोस्तों वो आपसे एक शर्त कहेगी कि मेरी वो शर्त पूरी करो। वो उसकी शर्त पूरी करेंगे फिर वो आपके काम करेगी। दोस्तों, जब आप उसकी शर्त पूरी कर लेंगे या उसके साथ हम बिस्तरी कर लेंगे, दोस्तों, उसके बाद आप उससे दुनिया का कोई भी जायज़ और नाजायज़ काम करवा सकेंगे। ये खुशी खुशी आपका हर जायज़ और नाजायज़ काम करेगी। ख्वाह कोई भी काम हो, दुश्मन से बदला हो, महबूब को वापस लाना हो, काम कर्म में बरकत लानी हो, दोस्तों, काम कारोबार चमकाना हो, या लॉटरीज का नंबर हासिल करने हो, धन दौलत हासिल करना हो, कोई भी जायज़ और नाजायज़ काम करना हो, ये आपका करेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे बताए गए तरीक़ाकार इजाज़त लेकर अमल करेंगे। दोस्तों, और कोई और आपने इससे दोबारा हाजिरी का तरीक़ाकार ही पूछ लेना है, आप उसको दोबारा कैसे हाजिर कर सकते हैं। दोस्तों,
और कोई मेरा बहन भाई इस अमल को खुद नहीं करना चाहता तो वो हमसे भी अमल करवा सकता है, उसका काम 100% गारंटी से होगा। दोस्तों अगर आप ये अमल खुद कर रहे हैं तो इस अमल को करने के दौरान आपको कोई मसला परेशानी है या अमल में कामयाबी ना हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का आसान सा अमल, जल्द नए अमल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।